तो R15 V2 का इंजन हमने 33 से निकाल दिया है। अब इसका इंजन हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसकी जो वाटर बॉडी है, जो इसका वाटर पंप है, इसको खोलेंगे। वाटर पंप खोलने के लिए दोस्तों हमें एक ये बुल्ट खोलना है 8 नंबर का। एक ये बुल्ट है हमारा, दूसरा दोस्तों हमारा बुल्ट ये है। वाटर पंप है और मैं आपको बता दूं कि वाटर पंप को जब हम इसकी ये साइड खोलेंगे तो हमारे यहाँ पर एक आपको फैन दिखाई देगा जो कूलेंट को पंप करता है, और जो हमारी इसकी पिन है वो हमारी जो केम का जो बोल्ट होता है, सॉरी जो टाइमिंग गिरारी का जो बोल्ट होता है केम के अंदर, उसके अंदर अटैच होती है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसके जो हेड कवर है इसको खोलना है। दोस्तों इसका जो हेड कवर है, हेड कवर के अंदर आपको इसके अंदर 5 बोल्ट दिखाई देंगे और एक बोल्ट के अंदर आपको कॉपर का वाशर दिखाई देगा, जो कि हमारे यूरो ट्यूब के बिल्कुल इस साइड लगता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉपर का जो वाशर है उस वाशर का नट यहीं डलेगा। तो दोस्तों हमें इसका टाइमिंग गिरारी का जो बोल्ट है उसको खोल लेना है। तो हमें इसका जो टेंशनर है, टाइमिंग टेंशनर है, इसको 5 नंबर एलकी से खोल लेना है। दोस्तों टाइमिंग स्पॉकेट निकालने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये हमारा क्लचर है, तो इसकी जो पिन है उसको आपको सेफली रखना है, क्योंकि ये मिलेगी नहीं आपको। ये हमारी पिन है जो केम के साथ आपको R15 और FZ के अंदर मिलेगी। अब दोस्तों इसके हेड, तो दोस्तों आपको इसका जो हेड है सिलेंडर से ओपन कैसे करना है मैं आपको दिखा दूं, कि यहाँ आपको कट दिखाई देगा और दूसरा कट दोस्तों आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों कटों के ऊपर पेचकस को लगाना है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से पेचकस में लगाना है, ताकि अगर हमारी जो डाउल हेड की, ये डाउल अगर इसके अंदर जाम भी होगी तो हमारे जो हेड या सिलेंडर का जो फेस है वो ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारी टाइमिंग पैड है और जो हमारा कूलेंट है वो सिलेंडर के इस साइड, अंदर की साइड घूमता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा पिस्टन है और ये हमारा जो आपको खाली जगह दिख रही है, ये जो नाली दिख रही है, ये हमारी कूलेंट के लिए होती है। और जो मैं आपको एक बोल्ट बता रहा था सिलेंडर के अंदर, दोस्तों वो जो बोल्ट होता है ये सिलेंडर के अंदर आपको देखने को मिलेगा R15 वगैरह के अंदर, जिसके अंदर आपको कूलेंट जिसकी बाइक में कूलेंट डलता है उसके अंदर आपको 10 नंबर बोल्ट दिखाई देगा। और ये बोल्ट हमारे इस नाली के अंदर है, ताकि इसके कूलेंट के अंदर से, सॉरी कूलेंट की हवा निकाल सकें या फिर इसके कूलेंट को चेक कर सकें। दोस्तों आपको ये वाल की हल्की सी कट का निशान दिखाई देगा दोनों साइड पिस्टन पे, और एक ये बिंदी है। जब भी आप R15 का पिस्टन फिट करेंगे तो आपको साइड बताऊंगा दोस्तों, ये जो बिंदु और ये वाल के निशान है ये हमारा एग्जॉस्ट की साइड जाएंगे, साइलेंसर की साइड सेट होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पिस्टन की साइड R15 में कैसे फिट होगी। दोस्तों R15 के अंदर आपको दो टाइप के सिलेंडर देखने को मिलेंगे। जो R15 है दोस्तों उसके अंदर आपको दो टाइप के सिलेंडर दिखाई देंगे दोस्तों। एक तो सिलेंडर होता है जो इसके अंदर जो स्लीव होती है वो एल्युमिनियम की होती है, मतलब इसके अंदर आप और कोई स्लीव नहीं डाल सकते। अगर इसका प्रॉब्लम हो गई इंजन के अंदर, अगर आपकी गाड़ी ऑयल उठा रही है तो आपको सिलेंडर ही चेंज करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों एक सिलेंडर आता है जिसके अंदर लोहे की स्लीव होती है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी खोलते हैं तो ये चेक कर लें कि इसके अंदर एल्युमिनियम की स्लीव है या लोहे की। दोस्तों इसका जो मैग्नेट कवर है वो भी खोलेंगे, ताकि इसकी टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन डालनी है हमें इसकी। दोस्तों आपको ये जो वाल लॉक हैं, आपको R15 के अंदर 4 वाल के अंदर 8 लॉक दिखाई देंगे निकलेंगे, तो आपको इनको कपड़े के अंदर बांध देना है ताकि ये गायब ना हो। और दोस्तों ये हमारी स्प्रिंग है, इनको भी आपको सेफली रखना है विथ वाशर।
तो दोस्तों इसकी जो गाइड है वो भी आपको चेक करनी है, और कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इसके साइड के अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ना ही इस साइड ना ही इस साइड, और दूसरा जब हम बाल को उंगली लगा के, आप देख सकते हैं इस साइड उंगली लगेगी, आप देख सकते हैं दोस्तों, और जब इसको बाल को निकालेंगे तो आपको ऐसा साउंड फील होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो गाइड है वो बिल्कुल ओके है। और दोस्तों ये हमारे गाइड वाल वाशर हैं, बाल गाइड वाशर, तो इनको भी आपको सेफ रखना है। अब दोस्तों इसकी कलर खोलनी हमें, तो ये हमारी क्लच असेंबली है, तो ये सारी चीजें नहीं डलेंगी। क्लच अब निकालने के बाद दोस्तों आपको ये जो वाशर है इसको भी सेफ रखना है, और ये है दोस्तों हमारी क्लच हाउसिंग। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि R15 की जो कनेक्टिंग रोड है वो बिल्कुल ओके थी, तो हमें इसके हेड सिलेंडर और इसकी क्लच प्लेट और टाइमिंग चेन को नया डालना है, क्योंकि इसके जो मेन पार्ट का जो मेन चैम्बर है इसमें कोई काम नहीं था हमें। दोस्तों R15 V2 के अंदर कौन कौन से पार्ट डलेंगे इंजन के अंदर वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिलेंडर किट है, तो सिलेंडर किट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो दोस्तों आपको एक तो हेड की पैकिंग और एक सिलेंडर की पैकिंग आपको ऐसे पैक मिलेगी। दूसरा इसके अंदर आपको पिस्टन दिखाई देगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पिस्टन है, और इसके अंदर ये आपको पिन दिखाई मिलेगी, ये इसकी पिन है दोस्तों, और ये आपको कंप्लीट सेट मिलेगा। ये रिंग सेट है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा ब्लॉक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पैक है ब्लॉक, तो ये हमारा ब्लॉक है। और दोस्तों इसकी MRP है 6000 के आसपास, और ये आपको यामा कंपनी का ही लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी का लाइफ। दोस्तों R15 का हाफ इंजन के अंदर आपको कौन कौन से पार्ट डालने हैं मैं आपको बता रहा हूँ आपको। ये यामा का सिलेंडर किट है दोस्तों, ब्लॉक है इसका, इसकी MRP है 6000 के आसपास, और इसके अंदर आपको सिलेंडर और हेड की पैकिंग मिलेगी दोस्तों, रिंग सेट मिलेगा। दूसरा दोस्तों आपको इस छोटी सी पैकिंग के अंदर पिस्टन और पिन दोनों चीज़ें मिलेंगी, ये हमारी पिस्टन और पिन दोनों आपको एक साथ, और इसके अंदर दोस्तों आपको ब्लॉक मिलेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक, आप देख सकते हैं ब्लॉक है, और ये एल्युमिनियम के अंदर है प्रॉपरली। और दोस्तों इसके अंदर हम क्लच सेंटर, ये हमारी वाल सील है, और दोस्तों ये हमारी क्लच के सेट हैं, ये हमारी प्रेशर प्लेट है दोस्तों, और ये भी यामा कंपनी के जेनुइन है, और ये है दोस्तों हमारा क्लच का हब, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे इनलेट और आउटलेट वाल, चार वाल है आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी एस्केलेटर केबल है, और ये हमारा डिस्पैड है, और ये ऑयल फिल्टर है दोस्तों। और दोस्तों इसकी ये मैग्नेट कवर की पैकिंग है, और ये क्लच कवर की पैकिंग है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी टाइमिंग चेन है वो हमें फिलहाल मिली नहीं, तो हम जल्दी लाके इसके अंदर जब फिट करेंगे इंजन उसको डालेंगे। और दोस्तों जब भी आप हाफ इंजन करवाते हैं, अगर गाड़ी के अंदर क्रैंक की आवाज़ नहीं है, तो आपको क्लच असेंबली और टाइमिंग चेन जरूर इंजन के साथ चेंज करवाने हैं, इससे आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस और साउंड है वो अच्छा रहेगा।